चीनी गरीब आवाम के लिए कड़वी हो गई बदस्तूर 200 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट में सब्सिडाइज्ड आटा ना मिलने से गरीब का भरगस निकल गया। 20 किलो का थैला 2,850 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत दोगुना होने पर भी आवाम परेशान। शहरियों ने सस्ता आटा मार्केट में फराहम करने का मुतालबा कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल, सरकारी निर्खनामा ठुस हो गया। प्याज 100, टमाटर 150 और आलू 90 रुपए किलो तक फरोख्त। लहसुन सरकारी निर्ख 450, बाजार में 550 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मेथी 310, बैंगन 130, गोभी 107 रुपए किलो। फलों की कीमतों में भी इजाफा, जायद निर्खों पर फरोख्त जारी। लाहौर समेत सूबे में वुकला की महंगाई के खिलाफ हड़ताल। पंजाब बार काउंसिल की तरफ से सेशन और सिविल अदालतों का बायकॉट का ऐलान। वुकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आवाम से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल का फैसला किया। डेंगू वायरस के हमलों में शिद्दत आ गई। एक ही दिन में बुखार ने 59 नए मरीजों की तस्दीक। मच्छर के जैसे 38 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेरे इलाज। मच्छरों की अफजाइश जारी। मजीद 3,876 मुकामात से लार्वा बरामद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में थानों की तामीर मुरम्मत और अपग्रेडेशन होगी। फ्रंट डेस्क, इन्वेस्टिगेशन रूम, वेटिंग एरिया और वॉशरूम बनेंगे। वजीर आला ने इजलास में कहा कि डॉल्फिन पुलिस की मोटर बाइक्स और रेस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियों को ठीक कराया जाएगा। थानों में सफाई सुथराई के मैार को बेहतर बनाने की हिदायत। परवेज इलाही के कार्य खास मोहम्मद खान भट्टी ने क्या क्या गुल खिलाए। नैब ने अजब करप्शन की गजब कहानी का कच्चा चट्टा खोल दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शरीक मुलजिमा के साथ मिलकर गैर कानूनी स्कीमें मंजूर कराई। रिपोर्ट के मुताबिक केक बैग्स के लिए मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाए। मनपसंद अफसरान को गुजरात में तैनात करा के फवायद लिए। पुलिस का बर वक्त चालान जमा न कराने के रुझान में इजाफा। हाईकोर्ट का इजहार नाराजगी। 190 दिन बाद भी चालान पेश न करने पर मनशियात के मुलजिम की जमानत मंजूर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने 9 सफहात के अदालती नजीर करार दिया। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का मामला। खदीजा शाह इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर भी समाप्त होगी। उमर चीमा को भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का मामला। परवेज इलाही के 10 शरीक मुलजिमान की उबूरी जमानत कंफर्म। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा आवान का मुलजिमान को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लेडी सूट नाकिस क्वालिटी के भिजवाने का मामला। माहीन खान ब्रांड वॉल्टन रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। कैंट की माहम खान ने दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को तलब कर लिया। आईजी से गैरिसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मुलाकात। शोबे क्रिमिनोलॉजी में तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए माहदे तय पाए। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाइस चांसलर मेजर रिटायर्ड शहजाद सिकंदर को यादगारी शीर दी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का माहौल दोस्त मंसूबा। रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में तामीराती काम तेजी से जारी। माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। ड्रेन के एतराफ भी शजरकारी की जाएगी। शजरकारी SOPs पर अमल दरामद से ही आलमी मियार पर इंडस्ट्रीज को चलाया जा सकता है। कमिश्नर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का मुख्य तरक्याती मंसूबों का दौरा। खालिद बट चौक अंडरपास की साइट का मुआयना। बोले मंसूबे की तकमील से जामिया 1,80,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। कमिश्नर ने जेरे तामीर बेदिया अंडरपास का दौरा किया। देही यूनियन काउंसिल्स में अब गांव चमकेंगे मंसूबा। महकमा बल्दियात ने देही यूसीज में सैनिटरी वर्कर्स की भर्ती मुकम्मल कर ली। 7,404 सैनिटरी वर्कर्स को डेली वेजर्स की बुनियाद पर भर्ती किया गया।
21,000 देहात में विलेज कमेटियां भी तश्कील, हर गांव में सफाई सुथराई के इंतजाम शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर की जेर सदारत MCL सब नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम का इजलास, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज की नीलामी, किराया, खाली प्लॉट्स के हवाले से जायजा लिया गया। शहर में मजीद मुजबा खानों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स आइंदा हफ्ते तलब। पंजाब पुलिस के मिनिस्ट्रियल कैडर की तरक्कियों के लिए प्रोमोशन कोर्स, पुलिस कॉलेज चूंग में कोर्स 11 से 22 सितंबर तक होगा। शुरका को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट SOPs पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। पेट्रोलिंग फोर्स पीरू की गाड़ियां भी खटारा बन गई, 105 में से 35 गाड़ियां नाकारा, 43 की हालत अबतर हो चुकी। पुलिस ने गाड़ियों की मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स मांग लिए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां ठीक ना करवाने से पेट्रोलिंग का निजाम ठप होने का खदशा। बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ फिर से क्रैकडाउन, CTO का दोनों मुहिमात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। दूसरी तरफ पुलिस अहलकारों ने SSP ऑपरेशंस के अहकामात हवा में उड़ा दिए, बगैर हेलमेट और गैर नमूना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सफर जारी। DIG लियाकत अली मलिक की कॉस्मोप्लास्ट अस्पताल जौहर टाउन आमद, नायब लीडर के बेटे की खैरियत दरियाफ्त की, खसूसी फंड से सर्जरी करवाई। कामयाब सर्जरी पर मरीज बच्चे और दीगर छोटे बहन भाइयों में खुशी का इजहार। कांस्टेबल शाहिद की तरह कौन नफसियाती और जहनी मर्ज का शिकार, लाहौर पुलिस के अहलकारों और थानेदारों के साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी, टेस्ट में नाकाम होने वाले अहलकार और थानेदारों का इलाज कराया जाएगा। LWMC के माहौल दोस्त इकदाम महमूद बूटी कंपोस्ट प्लांट की रीमॉडलिंग और रीलॉन्चिंग कर दी गई। चेयरमैन असलम वड़ाइश ने CEO बाबर साहबदीन के हमरा अपग्रेडेड प्लांट का इफ्तिताह किया। डेप्टी CEO फहद महमूद मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर ने शिरकत की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला, पंजाब में थानों की तामीर मुरम्मत और अपग्रेडेशन होगी। फ्रंट डेस्क, इन्वेस्टिगेशन रूम, वेटिंग एरिया और वॉशरूम बनेंगे। वजीर आला ने इजलास में कहा कि डॉल्फिन पुलिस की मोटर बाइक्स और रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियों को ठीक कराया जाएगा। थानों में सफाई सुथराई के मैार को बेहतर बनाने की हिदायत। और शहर का मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद, कभी बादलों के डेरे तो कभी सूरज की तकरार, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान मौजूद। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह 115 रिकॉर्ड की गई।